हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो आज है महाशिवरात्रि, जो मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। वैसे जन्माष्टमी भी है मेरा फेवरेट, पर शिवरात्रि भी है। तो मैंने सोचा मैं शायद फास्ट रखूँ, शायद क्या रखूँगी फास्ट। तो मैंने सोचा शिवरात्रि है तो एक व्लॉग बनाते हैं आपके साथ, दिखाते हैं कि क्या क्या मैं करती हूँ आगे सब कुछ। तो आप सोच रहे होंगे शिवरात्रि है, पूजा करने से ये सुबह सुबह ये किचन में क्या कर रही है। लेकिन किचन में मुझे थोड़ा सा काम था, चाय नाश्ता थोड़ा बनाना था, क्योंकि दीदी के ससुराल से आया हुआ है, उनकी जिठानी का लड़का आया हुआ है, मेरा भाई आया हुआ है। तो वो अभी कानपुर जाएगा, तो उसके लिए मैंने सोचा चाय नाश्ता बना लेते, तब सफ़र लंबा है लखनऊ से कानपुर, तो कुछ खा पी लेगा अपना। तो वही मैं किचन में आ गई, चाय नाश्ता बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं शिवरात्रि पे क्या क्या करूंगी आगे। और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो झाड़ू पोछा कर रही है, घर की साफ सफाई कर रही है, क्योंकि शिवरात्रि है, साफ सफाई करेंगे। बैकग्राउंड में जो चीची आवाज कर रहा है वो मेरा मिट्टू है। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और जो गेस्ट आए हुए थे वो कानपुर के लिए निकल चुके हैं। हम लोग ने उनको भेज दिया है, भाई उसको छोड़ने गया है रोड तक। उसके बाद मैंने नहा के देखा कि छोटी वाली सिस्टर ने पूरा मंदिर को साफ कर दिया, डेकोर भी कर दिया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, पूजा की थाली को सजाने मैं जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, या तो पूजा के टाइम की मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाती हूँ, या मैं पूजा करने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। ओके फ्रेंड, हर हर महादेव। तो दोस्तों हम लोग ने पूजा कर ली है, हम तीनों ने पूजा की है अभी बैठ के, और पूजा खत्म हो गई है। अभी हमारे गांव में दो भंडारे हैं जिसमें भैया जाएंगे सब्जी पूरी खाने। हम लोग तो नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोग व्रत हैं, भैया सम्मान क्यों रहे हो। ये मेरी छोटी सिस्टर है और अभी हम दोनों ने ही फास्ट रखा है घर पर, बाकी किसी ने नहीं रखा है। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं, हम लोग थोड़ा जलपान कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। शिवरात्रि वाले दिन मैंने पहना था कुर्ती और प्लाजो, वैसे मोस्टली मैं पहनती हूँ लोअर और टी शर्ट, आज मैंने कुर्ती और प्लाजो पहना था क्योंकि पूजा करनी थी। और आज क्योंकि शिवरात्रि है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब फास्ट रखते हैं तो कुछ भी केमिकल मतलब कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करते, तो मैंने कुछ भी आज यूज़ नहीं किया है, मैं विदाउट मेकअप हूँ, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। ये मेरा प्लाजो कुर्ती है तो इसको आज मैंने वेयर किया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ग्रेप्स थोड़े से धुल लिए हैं, अब मैं ग्रेप्स खाऊंगी। तो एक दिन का फास्ट है, मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नहीं खाऊं, तो ये ग्रेप्स खाऊंगी अब मैं। तो गाइस, मैंने बताया था जैसे गांव में भंडारा है तो भैया लेके आए थे सब्जी पूड़ी, हम लोग तो नहीं खा सकते थे। ये पापा और जो हमारे वहाँ दीदी के ससुराल से गेस्ट आए उनके लिए आया हुआ था प्रसाद। तो ये था आलू कद्दू की सब्जी, ये पूड़ियाँ जो कि भंडारे का, बाप रे, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा लगता है। तो ये थी सब्जी पूड़ियाँ। दोस्तों, शिवरात्रि वाले दिन शिव जी के कह लीजिए या राम जी के भक्त कह लीजिए, वानर सेना आई हुई थी। आप देख सकते हो कैसे ये लोग धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। ये लेडी को देख रहे हो, बिल्कुल नहीं डर रही है। यही है वो महाशय जिनकी आवाज आप पूरे वीडियो में सुनेंगे, चैं चैं चैं। अब बोलो, अब नहीं बोल रहे हो। शाम हो गई है और देखिए ये सुंदर सा नज़ारा है। और अब मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने, तो आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है और पीछे मेरा मंदिर है, मैं अभी छत पे हूँ, छत पे ही मेरा मंदिर है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से निकली हो। भगवान शिव शंकर आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करें। और एक छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ, एक छोटा सा चैनल मेरा बना है, आप सभी उसको प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। और मैं आशा करती हूँ अगर आप भी यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और मेहनत करते हैं तो आपका भी चैनल ग्रो करे,
भगवान शिव शंकर आपको सभी को सफलता दे और हम सभी को सफलता दे और शांति बनाए रखे। इसी के साथ ही मैं आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, संस्कार चैनल पे आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष में कैलाश खेर जी गाना गा रहे थे, जिसको ऑर्गेनाइज शायद रामदेव बाबा ने करवाया था। तो पापा देखिए मस्त मजे से आनंद ले रहे हैं कैलाश खेर जी के गानों का। तो बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छे अच्छे शिव जी के गाने गाए जा रहे थे और क्लासिकल सॉन्ग भी गाए जा रहे थे। तो यही वो भैया हैं जो कानपुर गए थे, कानपुर से वापस आ गए। इन लोग को भूख लगी थी, इन लोग के लिए मैंने बनाया छोले और पूड़ियाँ। ये लोग छोले और पूड़ियाँ खा रहे हैं, साथ में मैंने सैलेड भी बनाया था। बहुत तेज़ से भैया को भूख लगी थी तो हमने कहा कि चलिए आप लोग खा लीजिए। उसके बाद मैंने खाया अंगूर और ये स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ये कोई मेरे लिए लेके आया था, आगे मैं आपको बताऊँगी कौन लेके आया, क्योंकि ये मेरी निजी ज़िंदगी बाय पवी चैनल है। तो मैं अपनी सारी निजी ज़िंदगी जो भी रहेगी, पर्सनल जो भी रहेगा, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमने खाई स्ट्रॉबेरी और अंगूर। कहते रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने खाया। ओके, मैं खाती हूँ इनको। तो फ्रेंड, सारा काम हम करके, किचन वगैरह साफ करके मैं लेट गई हूँ। अब मुझे थकावट हो रही है, नींद भी आ रही है। और ये मैंने अंडर आई क्रीम लगा ली है अपने आँखों के नीचे। तो बाय, ये ब्लॉग आपको कल मिलेगा एडिट हो गए, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एडिटिंग का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो महाशिवरात्रि का ये ब्लॉग आपको कल, मतलब 19 जनवरी को आपको मिलेगा। ओके, बाय, गुड नाइट। प्लीज़ गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बाय, गुड नाइट।